नमस्कार भाइयों, मैं अनिल समरे। आज हम आए हैं अपने ऋषि स्वान जी के कैरी में, इनका ऑर्चर्ड है। यहाँ पे तकरीबन 500 के आसपास हम लोगों ने पौधे लगा रखे हैं, जिसकी आज हम प्रूनिंग करने जा रहे हैं। तो ये नए प्लांट है, जैसे आई लाइव आने का जो मेरा मकसद था वो यही था कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि थोड़ा जो नए प्लांट है उनकी प्रूनिंग किस तरीके से करनी है। देखिए टॉप अच्छा खासा दीजिए, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो सेंट्रल लीडर को अच्छे से विगर डालने में रहेगा। और जो इस स्ट्रेंथ के फैदर है हमारे पास ये वाले, इसमें अगर आपने ये कट मारा तो इसका जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, हैवी रहेगा। फिर भी जो इसमें नई ब्रांच निकलेगी वो कहीं ना कहीं आपके सेंट्रल लीडर को वीक पे डालेगी। तो इससे पूरा इस तरीके का डच कर दीजिएगा। फिर इसमें जो साइड की ब्रांच आएगी उसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो कम रह गया उससे। ठीक है जी, अब आपके पास जो मोटे फैदर, सबसे पहले मोटे फैदर निकाल दीजिए। जो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मोटा फैदर है, कोई टूट फूट आपके फैदर में है, ये भी स्ट्रेंथ अच्छी पकड़ रहा है, तो इसे हमने निकाल दिया। अब देखिए आपको डेंस दिख रहा होगा, पर हम इसको क्या करेंगे, इस बार रिमूव नहीं करेंगे, सबको क्लिक करेंगे। जो रिन्यूअल पे जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो नेक्स्ट लेके जाएगा कि कौन सी ब्रांच में हमारे को अच्छे से परफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। क्लिक समय दीजिएगा, क्योंकि जब आप क्लिक देंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए तभी आपका जो पीछे तक जितनी भी आइज है वो एक्टिव रहेगी और प्लांट भी आपका जल्दी से उठेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा फोकस कर दिया, ये देखिए आपका ये वाला। अगर हम इसमें ऐसे अगर जो स्टेप देते हैं, अगर स्टेप देंगे वो बात नहीं बनेगी। इसमें इस तरीके से आपने डक देना, नेक्स्ट की जैसे जो आइज फटेगी उस पर प्रेशर नहीं डालेगी। देखिए क्लिक करने दीजिएगा, क्लिक देना बहुत जरूरी है। इससे जब आप क्लिक देंगे तो बैक साइड में आपके प्रेशर अच्छा जाएगा और आपकी जो आपको फैदर लग रहा है कि कोई फैदर अगर हमारा प्लांट में कोई 30% के आसपास पहली ईयर की प्लांटेशन में कोई है तो उसको पूरा सब पे दे डाल दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए वो जो ब्रांच है आपको लेवल पे डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर का चांसेस अच्छा है कि उससे आपकी साली निकाल दीजिएगा। अभी देखिए ऑलमोस्ट इस प्लांट की कैनोपी बहुत प्यारी है, इसमें ज़्यादा जो है इस बारी के लिए बहुत कम फैदर जाने वाले हैं। और प्लांट है काफ़ी अच्छा प्लांट आया है। इसलिए जिससे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने लगभग कोटी में से जो प्लांट्स लिए हैं तो आप इसे क्या सेटिस्फेक्शन है आपकी, क्या आपकी संतुष्ट है जो आपको पौधा मिला है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया प्लांट दिए हैं और फैदर भी बहुत अच्छे हैं। मेरे 7+ फैदर थे, तो करीबन 12 से 14 फैदर हर प्लांट में है। हाँ जी, और बहुत अच्छे से ऐसे हाँ, मैं जो देख पा रहा हूँ आपका जिस वक्त जो प्लांटिंग इंटीरियर है वो तकरीबन 80-90% के आसपास जो आपको पहले प्लांटेशन मिली थी और तकरीबन खुल चुके हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे 200 प्लांट पहले आए थे, उनमें से 175 प्लांट में ग्रीन टिप आ चुकी है। जी जी, 25 पौधे अभी थोड़े से वो खुलने के लिए रहे, लेकिन वो भी अभी सर्वाइव हो सकते हैं शायद। जी जी, मैं भी देख रहा हूँ आपका प्लांट जितना भी है तो काफ़ी फ्रेश है। देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इनकी जो मेहनत देखी है यहाँ पे,
देखिए, अगर आप मकसद देख पा रहे हैं सॉइल का, तो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है मैंने प्रॉपर। तो आपका जो प्लांट है मरने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। आपको पहले साल बहुत अच्छे से मकसद देना होता है, ये शॉपिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं प्लांट की। जो कई सेंटीमीटर के साथ आपको लग रहा है यानी ब्रांचेज भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि गाला में क्या रहता है, गाला का जब आप प्रूनिंग करते हैं तो ऊपर की कोई अगर आपको ब्रांच थोड़ी थिकनेस वाली हल्की सी लगती है तो उसको रिन्यूअल उसको स्टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए काफ़ी हैवी बढ़ेगी, क्योंकि गाला का जो वेगनेस है वो ज़्यादा आपका ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है ड्यू टू पर। पर में क्या होगा कि जो आप जो भी पर लगाएंगे तो जो ग्रोथ हैबिट है वो बेस लेंथ जा रही थी, बल्कि गाला का उल्टा चलता है, गाला की जो बेस लेंथ से ज़्यादा जो ग्रोथ है वो आपके ऊपर को टॉप जा रही है। सारे थिन जो फैदर है इसमें अच्छे से क्लिक कीजिए, क्लिक करने को नहीं छोड़ना। आप जब क्लिक करेंगे तो प्रॉपर जो है फैदर आपका आगे से पीछे तक जितनी भी आई थी बहुत अच्छे से स्प्राउट करेगी और नेक्स्ट ईयर के लिए आपको अच्छा खासा पत्ता तैयार करके देगी। कई प्लांट डॉट टॉप हमने छोड़े थे तो उसमें हमने वही देखा है कि टिप पे आपके हल्की सी ब्रांच खुलती है और जो बैक साइड का जो पोर्शन है वो आपका सारा का सारा ब्लाइंड बन जाता है, खासकर ज्यादा जैसी ब्राइटी की। देखिए, जब आपका आप जैसे हमने लोगों ने पहले ट्रेंचे बना रखी होती थी जी ऑलमोस्ट, तो क्या था धीरे धीरे सॉइल आपकी जितनी नमी रहेगी जब आपकी बात की आती है तो डीप जाती है सॉइल, उसके साथ आप कहीं ना कहीं प्लांट भी आपका नीचे जाएगा, लास्ट में जाके आपको तकरीबन जो आपका प्लांट इतना रहेगा।